टॉप न्यूज आपके लिए लाता है सच्ची, साफ और निष्पक्ष खबरें। हम इस कार्य को हमेशा करते रहें, इसके लिए हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज हमें सहयोग करें, हमारी खबरों के विषय में हमें अपनी अमूल्य राय जरूर दें। अगर आप टॉप न्यूज को मोबाइल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में मौजूद बेल के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तुरंत। कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आपसे ना छूट पाए। अगर आप पीसी से देख रहे हैं तो पीसी में मौजूद सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने के प्रोत्साहन दें। अगर आपका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहा तो हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे सच हर कीमत पर। टॉप न्यूज से पत्रकार जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8445122112 पर संपर्क करें। हम देंगे एक प्लेटफॉर्म आपको नेशनल लेवल पर आपकी अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका। प्रतापगढ़ के अखंड बेलकनाथ धाम द्वारा मनाया गया अखंड भारत संकल्प दिवस। अखंड बेलकनाथ धाम द्वारा मनाया गया अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम, जिसमें जिले से जिला अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष ने अपने संबोधन में अखंड भारत की परिक्रमा करते हुए कहा, यदि हिंदू जागृत हो जाए, वह मजबूत हो जाए, तो अखंड भारत की कल्पना की जा सकती है। उपस्थित पदाधिकारियों में भी जिला अध्यक्ष उमरेश सिंह, रविकांत विभाग उपाध्यक्ष, असले पाल विभाग संगठन मंत्री, रजनीश सिंह जिला मंत्री, विमल सिंह जिला शाह मंत्री, धीरू प्रताप सिंह मंत्री, मनीष तिवारी, शिव कुमार गुप्ता, अखंड पट्टी अध्यक्ष सुरेश शुक्ला आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। दूसरे के साथ सहभागिता निभाते थे, लेकिन उन्होंने कभी आधा वर्ष से बाहर उस वृत्त के बाहर जाने का प्रयास नहीं किया और कालांतर में इसमें से निकल करके 15 देशों का निर्माण हुआ, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान तमाम देश है, जिसकी चर्चा भी रविकांत जी ने किया, और 16वें देश की तैयारी हो रही है। यह शोक सभा इसलिए किया गया है कि आने वाले 2-3 दिन के बाद हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे 15 अगस्त को, और सारे लोग खुशी मनाएंगे कि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन उसके ठीक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, और दुख इस बात का है कि पाकिस्तान इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं मनाता, इसको वो कौम दिवस के रूप में मनाता है। उसने स्वतंत्रता दिवस का नाम इस दिवस को कभी नहीं दिया। वह इस नए निर्माण को इस्लाम जगत के नए देश के रूप में, नई खुशी के रूप में मनाता है, और उसने भारत का जो 16वां टुकड़ा यानी आर्यव्रत की जो 16वें टुकड़े की परिकल्पना किया है, वह नया देश है मुगलिस्तान। वो मुगलिस्तान है कौन? मुगल शासकों ने जिन राज्यों पर, जिन भूभागों पर लगातार 400-500 वर्षों तक राज किया, उस क्षेत्र को मुगलिस्तान बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले जैन यूनिवर्सिटी में नारा लगा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये अखंड भारत संकल्प दिवस सिर्फ इस रूप में मनाया जा रहा है अपने देश के लोगों को जागृत करने के लिए कि हमारे देश के फिर इस तरह से टुकड़े ना हो। प्रतापगढ़ से टॉप न्यूज संवाददाता विवेक पांडे की रिपोर्ट।